हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी है क्या? बायो अवेलेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच एंड द एक्सटेंट टू विच द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग इज अवेलेबल एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई ड्रग खाते हो तो जब वो ड्रग अगर वो सॉलिड डोजेस फॉर्म में है और ओरली ले रहे हैं तो वो ड्रग सबसे पहले आपके स्टमक में जाती है और डिसइंटीग्रेशन होता है उसका। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद होता है उसका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस व्हेन द ड्रग एंटर्स इन योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। मींस जब ड्रग आपके ब्लड में जा रही है उस चीज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे डेफिनेशन के अनुसार बायो अवेलेबिलिटी वो चीज होती है जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी की इम्पोर्टेंस कहाँ से आई, क्यों जरूरी हुआ कि बायो अवेलेबिलिटी को हमें डिटेल में स्टडी करना चाहिए? सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी वॉज रिकग्नाइज आफ्टर द अक्रेंस ऑफ फेनिटॉइन टॉक्सिसिटी इन ऑस्ट्रेलिया इन 1968 में फेनिटॉइन टॉक्सिसिटी हुई थी। पहले आपको ये बता दिया जाए कि फेनिटॉइन जो ड्रग है इट इज यूज एज एन एंटी कन्वर्जेंट। ये एपिलेप्टिक पेशेंट्स में दिया जाता है जिसको हम एंटी कन्वर्जेंट्स के रूप में दिया देते हैं। फेनिटॉइन की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को सफर करना पड़ सकता है। पहला होता है अटैक्सिया और दूसरा होता है कोमा। अटैक्सिया इज नथिंग बट व्हेन द बॉडी लूजेस इट्स कंप्लीट कंट्रोल। जब बॉडी का पूरा कंट्रोल लॉस हो जाए उस चीज को हम बोलते हैं अटैक्सिया। तो ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1968 में हुआ था, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर में काउंट होने लगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में एक फार्मास्यूटिकल फर्म थी जो कैप्सूल बनाती थी। कैप्सूल का नाम है डिलैंटिन सोडियम कैप्सूल। इस कैप्सूल को बनाने में वो एक इनर्ट मटीरियल यूज करती थी जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट वॉज यूज एज अ डाइल्यूएंट विच इज अ इनर्ट मटीरियल। अगेन इट इज यूज एज अ डाइल्यूएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ डिलैंटिन सोडियम कैप्सूल। अब क्या हुआ था कि ये जो फार्मास्यूटिकल फर्म थी उनके पास कैल्शियम सल्फेट का स्टॉक खत्म हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि हम कैल्शियम सल्फेट की जगह लैक्टोज को यूज कर लेते हैं क्योंकि वो भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है। तो एज सच हम जब इसको रिप्लेस करेंगे लैक्टोज के साथ तो इस जो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। ये सोचते हुए उन्होंने लैक्टोज को उसमें इनकॉर्पोरेट किया। बट जब वो रीफॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आया और जब वो प्रोडक्ट पेशेंट्स ने लेना शुरू किया तो देखा गया कि पेशेंट जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं उनमें प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, इस ड्रग का प्लाज्मा कंसेंट्रेशन रीच हुआ था 30 μg/mL, जो कि लीड कर रहा था फेनिटॉइन टॉक्सिसिटी को। जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि जो लैक्टोज उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था इन प्लेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट वहां पे लैक्टोज वॉज गेटिंग इजिली वेटेड होने की वजह से, आसानी से गीला हो जाने की वजह से उसका डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हुआ। हेंस डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हुआ तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी इंक्रीज हुआ विच अल्टीमेटली लीड टू द टॉक्सिसिटी दैट इज फेनिटॉइन टॉक्सिसिटी।